Now, the Uttar Pradesh government has cracked down on the VHP Sankalp Diwas meet scheduled for today. Now, even as the event was banned, several VHP leaders and workers have been detained as Ayodhya turns into a fortress to prevent any flare-up. Over 2,000 security personnel were deployed, even as several VHP activists were placed under house arrest. Meanwhile, a political war has broken out, with the BJP terming the crackdown as going against democracy and the fundamental rights of people. The Congress, meanwhile, has backed the Samajwadi Party's decision to ban the event. Till yesterday night, we have arrested 80 activists, those who were trying to come to Faizabad, go to Ayodhya, and 42 house arrests have been made. So out of these 80, there is an ex-MLA, Mr. Lallu Singh, who has been MLA for 20 years from Ayodhya, and the media in charge, Sharad Sharma, and some more office bearers, they have been arrested. We have got 10 companies of central and state police force, armed force. We have got 900 police constables. We have got lady constables. We have got sub-inspectors, inspectors from outside the district. And apart from our own district, we have got home guards. So we have sufficient force to enforce the law. देखिए, सामान्यतया पूरे देश में लगभग 1,00,000 स्थानों पर अयोध्या सहित लोग एकत्र होंगे, संतों के द्वारा प्रवचन होंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन होगा और उसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए और उस अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र जो है उसके अंदर किसी भी नई प्रकार की बाबरी के प्रतीक मस्जिद अथवा स्मारक को न बनने देने के लिए संकल्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि राम मंदिर निर्माण जब तक नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह कार्यक्रम है। अगर आपको बात करनी है, अगर आपको इतनी चिंता है तो आप अयोध्या के विकास की बात करिए। अयोध्या का विकास कैसे हो, फैजाबाद का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, भीप और भाजपा के लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करते, केवल अयोध्या और फैजाबाद के माहौल को खराब करने की बात करते हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, आधार्मिक कार्य करके धर्म का नुकसान करने की बात करते हैं। इसलिए हम कड़ी चेतावनी भी इनको देना चाहते हैं सरकार की तरफ से कि कृपया अपने रवैये को बदलें, विकास की बात करें, अच्छे मुद्दों की बात करें, हमसे बताएं और हमारी सरकार से बताएं कि क्या और अच्छा करने से अयोध्या फैजाबाद का विकास होता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात ना करें, सांप्रदायिकता फैलाने की बात ना करें, अयोध्या फैजाबाद के माहौल को बिगाड़ने की बात ना करें, वरना इनके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 3-tier रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे हैं, जिसमें स्टेट के बाउंड्रीज पर, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज पर और अयोध्या की बाउंड्रीज पर बैरियर्स लगाए गए हैं और ट्रेनों में स्पॉटर्स लगा के जो लोग इस तरह से इस संकल्प सभा में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे उनके ऊपर उनको भी गिरफ्तारियां की गई हैं। कुछ अब तक टोटल 301 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और 42 व्यक्तियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। लाखों लोग गिरफ्तार होने वाले हैं क्योंकि ये मामूली राम भक्त ये सब अगर गांव-गांव से निकलेंगे और सब पकड़े जाएंगे तो ये केवल 200-400 नहीं हैं, ये हर जिले के बाहर से अंतर से निकलेंगे और हजारों की संख्या में निकलेंगे, लाखों लोग गिरफ्तारियां देंगे। किसलिए गिरफ्तारियां देंगे, क्या क्राइम किया है उन्होंने, व्हाट इज देयर क्राइम? वो राम भक्त हैं, यही एक क्राइम हो गया हमारे देश के भीतर, राम भक्त होना ये अपराध हो गया इस देश के भीतर। मुलायम सिंह, उनके बारे में जब याद किया जाएगा कि राम भक्तों को उन्होंने और क्रिमिनल बना करके, अपराधी बना करके गिरफ्तार किया, क्या उनका अपराध है? वे केवल यही कहना चाहते हैं कि भगवान, हमारे भगवान तंबू में नहीं रहेंगे, अब हमारे भगवान को और एक विशाल मंदिर 70 एकड़ भूमि में जो अधिग्रहित स्थान है, 70 एकड़ में भगवान का मंदिर बनना चाहिए और ये काम संसद के कानून बनाने से होना चाहिए। ये तो एक राजनीतिक संस्था है, चुनाव के समय आरएसएस और बीजेपी इसका उपयोग करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कोई मान्यता दी, न देश के हिंदुओं ने इसको कोई मान्यता दी है। तो ऐसी फर्जी संस्थाओं द्वारा अगर उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई, अभी तो अरेस्ट हुआ, जोर पड़ी तो रास्का भी लगाएंगे और कड़ी भी कार्रवाई करेंगे, जो भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता के हित में ही हम निर्णय लेंगे, आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी।